हाय, दिस इज रूपम शर्मा एंड दिस इज जतिन अरोरा और आप हमें देख रहे हैं ई टाइम्स टीवी पर। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट इट टू ईच अदर एंड मैडनेस इज ऑल्सो अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे तो सब कुछ ही टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम स्टोरी का इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, बट हाँ टेढ़ी मेढ़ी स्टोरी है। और भगवान का इन डोरियों को मिलाने में और उलझाने में कितना हाथ है वो सब देखने को मिलेगा आपको इसमें। वेल, मेरे कैरेक्टर का नाम है वीर, और वीर एक तो मैंने बोला भी स्टार्टिंग में कि वीर एक ऐसा नाम है जो मुझे बड़ा पसंद है। दो साल से मैं मैनिफेस्ट कर रहा था। इनफैक्ट मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मैं अपना नाम जतिन से वीर कर दूं, मुझे इतना पसंद है। तो मुझे वीर नाम मिल गया, ऊपर से मुझे सिंगिंग करनी थी वो भी मुझे मिल गई। तो ये कैरेक्टर मेरे दिल से बड़ा ही क्लोज है, और जैसा मैं हूँ वैसा ही कुछ कैरेक्टर है। चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ क्योंकि शूटिंग है, साथ साथ गाने गाने हैं शो में, तो वो एक हेक्टिक स्केड्यूल हो सकता है, बट दैट आई लव बिकॉज वी ऑल लव एक्टिंग एंड बीइंग ऑन स्टेज एंड बीइंग ऑन स्क्रीन। सो वो है। बाकी वीर बहुत सादगी वाला कैरेक्टर है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, बहुत अमीर फैमिली से है, लेकिन कुछ भी अमीरों वाले शौक नहीं है उसको। टर्बन के अलावा वो परना पहनता है, जो कि स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन का एक सबूत होता है। और आर्ट लवर है, जो भी आर्ट से एसोसिएटेड होता है उससे बड़ा अटैच हो जाता है, और अपने छोटे छोटे न्यूएंसेस से मोह लेता है सबको। तो दैट्स अबाउट वीर। सीरत इज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बट शी हैज़ गॉट बिग ड्रीम्स, शी इज़ वेरी वेरी एम्बिशियस। उसे लंबी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, अच्छा अच्छा मेकअप, इन सब चीज़ों का बहुत क्रेज़ है, और वो अपनी फेवरेट है। उसके लाइफ में एकदम हर फंडा उसका क्लियर है कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा सा रिच हस्बैंड चाहिए, और बहुत क्लियर है अपने थॉट्स को लेके। तो उसे लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल भी है, लेकिन भोली है, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। उसकी मदर के साथ उसका जो बॉन्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है। मॉम ने उसको बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह रखा है, तो उसका झुकाव अपनी माँ की तरफ और माँ का झुकाव उसकी तरफ, एक अलग ही बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीरत को चाहिए सब कुछ, लेकिन वो मेहनत नहीं कर सकती है। उसको लगता है कि हार्डवर्क करने से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली में ये सब चीज़ें देखी हैं। उसके पापा बहुत ही हार्डवर्किंग रहे हैं, लेकिन जब आप सीरियल देखेंगे आपको पता चलेगा, आई कैन नॉट रिवील मच अबाउट इट, कि हार्डवर्किंग होने के बाद भी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। तो उसका भरोसा उठ चुका है उन सब चीज़ों से, और उसको लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं उन पर फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए वो हार्डवर्क में बिलीव नहीं करती है, और उसका ये भी मानना है कि जिसकी सीरत, वो लड़की जिसकी सूरत अच्छी हो, उसे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। दुनिया है ना, लड़के हैं ना उसके नखरे उठाने के लिए और उसके लिए काम करने के लिए। बिहाइंड द सीन्स पता क्या होता है, बहुत कम होता है। खैर मेरे साथ तो हमेशा होता है, आई हैव बीन रियली लकी टू हैव बीन सराउंडेड बाय मैड पीपल लाइक मी ऑल द टाइम। सो यहाँ पे भी मुझे वैसी ही टीम मिली है, सब लोग एक ही टैंजेंट के पॉजिटिव लोग हैं, बड़े ही टैलेंटेड लोग हैं, और सब लोग बहुत मस्ती भी कर रहे हैं और साथ में अच्छा काम भी कर रहे हैं। और काम कैसे, आई डोंट थिंक उनको कुछ बोलने की ज़रूरत भी पड़ रही है, बिकॉज आई थिंक पूरी टीम ही, एंड द डायरेक्टर एंड द प्रोडक्शन द क्रिएटिव टीम, एवरी डिपार्टमेंट इज सो एट पार कि सब एक अच्छा शो बनाने में लगे हुए हैं। और डेढ़ महीने में भी तो शो आया भी नहीं ऑन एयर, तो हमारे दिल के इतना क्लोज हो चुका है ना, और एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो चुकी है कि आप पूछ ही नहीं सकते हो। वी आर एक्चुअली रियली श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, और प्लीज़ आप देखो कि क्या क्या हमने नया, बहुत सारी नई नई चीज़ें हुई हैं इस शो में रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर्स परफॉर्मेंसेस आल्सो। बहुत गंदी तरीके से उलझी हुई हैं डोरियाँ, बहुत गंदी तरीके से उलझी हुई हैं, और ये सीरत ही है जो कि भोली है, बातों में आ जाती है, यही एक रीज़न है ये डोरियों का इतना उलझने का। तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों की। तो कैसे कैसे सुलझेंगी ये तो आपको स्टोरी बताएगी, उसके लिए तो आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। इसे टॉप पे आना है, आप क्या बात कर रहे हो। सबकी यही है, जिस तरीके की मेहनत हो रही है हर डिपार्टमेंट पे, यू विल सी कि जो मेहनत हो रही है एटलीस्ट आप वो देख के तो कह दोगे कि हाँ इसको टॉप 3 में आना है, टॉप 2 में आना है, टॉप में आना है। वो क्या होगा पता नहीं, बट देखिए एक्सपेक्टेशंस होना एक अलग बात है, लेकिन जो एक रियलिटी चेक होता है वो हमें तब मिल गया जब हम लोगों ने अपना प्रोमो देखा, या फिर जैसे जैसे हम लोग सीन्स आगे कर रहे हैं, द स्टोरी इज सो ग्रिपिंग एंड एवरीबडी सो हाई ऑन एनर्जी।
तो ये जो सब वाइब्स होती हैं और ये कॉन्सेप्ट जो होता है और ये सब चीज़ों का मिक्सचर होके जो निकल के आता है ना, तो वो उन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है ये बोलने का कि शो रॉक करने वाला है। एंड आई डोंट थिंक कि मैंने कितने टाइम से देखा है किसी टीवी शो में इतनी डिटेल में काम होने पर, ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में भी ऐसी डिटेल में काम हो रहा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बीट कॉस्ट्यूम्स, बीट मेकअप, बीट सेट, बीट एनी थिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, म्यूजिक, गाने, सब कुछ बहुत सही लेवल पे हो रहा है। मैसेज नहीं दे रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं अब हम कि चुपचाप 4 जनवरी से पहुंच जाना मंडे टू संडे 7 बजे अपने टीवी स्क्रीन्स पर। दिस इज नॉट वी, दिस इज जतिन टेलिंग यू ऑल, जो धमकी मिल रही है वो वीर तो मैं प्रे करूंगा पाजी प्लीज मान जाओ बहुत मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप लोगों के लिए शो बनाया, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। तो 4 तारीख से 4th of January मंडे टू संडे at 7 PM on Star Plus तेरी मेरी डोरियां। थैंक यू।